अभी तक थाने में पड़ी है बहुमूल्य मूर्तियां। जयपुर में विद्याधर नगर थाने में रखी है मूर्तियां। वर्ष 2003 में अंतरराष्ट्रीय तस्कर से हुई थी बरामद। राजस्थान विधानसभा में उठा मूर्तियों का मामला। वर्ष 2003 में राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया से अति प्राचीन और बहुमूल्य मूर्तियों की तस्करी का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न प्रकार की अति प्राचीन बहुमूल्य 300 मूर्तियां बरामद की थी। राजस्थान विधानसभा में लगे सवाल के जवाब से खुलासा हुआ है, अभी ये अति प्राचीन मूर्तियां जयपुर में विद्याधर नगर थाने में ही रखी है। कोर्ट ने दिए थे संग्रहालय में प्रदर्शित करने के निर्देश, अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की पालना। वहीं इस मामले में कोर्ट ने 15 जनवरी 2014 को बरामद प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों और कला पुरावस्तुओं आदि की प्रामाणिकता की जांच करवाकर इस कला पुरा सामग्री को राज्य के संग्रहालय में प्रदर्शित करवाए जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था, लेकिन अभी तक ये कार्य नहीं हो सका। अति प्राचीन प्रतिमाओं का नहीं हुआ संरक्षण, संबंधित विभाग को सुपुर्द नहीं हुई प्रतिमाएं। वहीं राजस्थान सरकार ने अभी तक इन प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। राजस्थान विधानसभा में लगे प्रश्न के जवाब में बताया गया कि विभाग सुपुर्द करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद ही संरक्षण और प्रदर्शन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। खासखबर.com के लिए जयपुर से सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।